नमस्कार, जय माता दी। दोस्तों, भय डर दोस्तों तब तक रहता है जब तक उसकी वास्तविकता मालूम नहीं हो जाती। जब हमें डर की असलियत पता चल जाती है तो हमें हंसी आती है कि हम क्यों डर रहे थे। कोरोना का डर, भय इतना भयभीत कर चुका है सबको, कल्पना से भी परे हो गया। साइंस, डॉक्टर पूर्ण शक्ति के साथ इसका इलाज ढूंढ रहे हैं और मिल भी जाएगा। जब तक नहीं मिल रहा तो जो हमें मेडिकल लाइन से डायरेक्शन मिल रही हैं उनको जरूर फॉलो करना चाहिए। घरों में रहना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, ताकि आप अपनी भी रक्षा कर सकें, दूसरों की भी कर सकें। एक कहानी याद आई, मैं पढ़ रहा था, इंडिया में शायद इंदौर में जहां कहां कहीं पे एक व्यक्ति 4-5 साल से भीख मांग रहा था, मानसिक रूप से अस्वस्थ था, ठीक नहीं था। किसी ने उसकी वीडियो डाली, वो बोलता बहुत अच्छा था, गाता भी अच्छा था, वीडियो डाली तो उनके परिवार वालों को पता चल गया। वो लोगों ने कॉन्टेक्ट किया, उसको लेने पहुंच गए। जब पता चला कि वो तो बहुत अमीर परिवार से संबंध रखता है, जब उसको याद आया कि वो तो अपना कितना बड़ा बिजनेस छोड़ के आया है, उसके अंडर कितने नौकर चाकर थे, अचानक उसमें चेंज आनी शुरू हो गई, उसमें वो ठीक होना शुरू हो गया। जो कहीं भिक्षा मांग रहा था वही लोगों को ऑर्डर देने लगा। उसका डर, उसकी हीन भावना खत्म हो गई। जब हमें पता चल जाता है दोस्तों कि हम बहुत अमीर माता पिता के पुत्र हैं, हमारे माता पिता बहुत शक्तिशाली हैं, तब हमारे बात करने का ढंग चेंज हो जाता है। आप छोटे बच्चों को स्कूल में देखिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में, बड़े होकर भी उनको अपने माता पिता के ऊपर एक प्राउड होता है कि मेरी माँ ऐसी है, मेरे पिताजी ऐसे हैं, मेरे माँ ऐसी है, हम ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं। जन्मजात जो गुण होते हैं वो कहीं जाते नहीं हैं। आप एक अच्छी गाय को देखें, उसकी जो बछड़ी होगी, उसकी जो बेटी होगी, उससे भी ज्यादा दूध देती है, क्योंकि वंश का गुण रहता है। आम के पेड़ में उसके जो बीज होते हैं उससे भी अच्छे आम लगते हैं। तो दोस्तों, फिर आप क्यों भूल जाते हो, हम देवताओं की संतान हैं, हम परमात्मा की संतान हैं, हमारे ऊपर उन स्पिरिचुअल पावर्स की, उन शक्तियों की असीम कृपा है। हमारे जीन्स बहुत शक्तिशाली व्यक्तियों के हैं, हमारा डीएनए बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम उस परमात्मा के पुत्र हैं, उस ईश्वर के पुत्र हैं, उस माँ भगवती के पुत्र हैं, माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं, उनकी कृपा है हम पर। तो जैसे जैसे दोस्तों आप उन शक्तियों को याद करने लगोगे, आप महसूस करने लगोगे कि सच में ही मैं तो बहुत बड़े खानदान से हूं, बहुत बड़े वंश से हूं, तो आपका भय खत्म हो जाएगा। इंसान को सबसे जो शक्ति दी है परमात्मा ने, हमारी आत्मा के रूप में दी है। जैसे हम मंत्र जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, हमारी आत्मा और सक्रिय हो जाती है। और जैसे जैसे आत्मा सक्रिय होती है, तैसे तैसे हमारा परमात्मा के साथ दोस्तों रिलेशन होने लगता है, हम ऊपर जाने लगते हैं। और जैसे आप ऐसी स्टेट पे पहुंच जाते हो, थोड़ा सा भी सूक्ष्म शरीर के पास, तो आप सब बीमारियों का मुकाबला करने में सक्षम हो जाते हो। तो आप अपने आप को पहचाने, आप सम्राटों के सम्राट हो, शक्तिशालियों के शक्तिशाली हो, और आप
सच में उस माँ के बेटे हो, उस परमात्मा की शक्ति हो जिसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। इंसान का जन्म अपने आप में भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है उस परमात्मा का। हमारा शरीर उस भगवान का उपहार है, इसकी रक्षा करना, इसकी देखभाल करना हमारी ड्यूटी है, और इसी तरह दूसरों की भी रक्षा करना, दूसरों का ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है। आप जो मंत्र आपको बताए हैं उनका जाप करते रहें, और जाप करने के बाद मयूर पंख मुद्रा जरूर करें, इससे हमारे सारे शरीर को शक्ति मिलती है। माँ करे, भगवान करे, आप सुखी रहें, संपन्न रहें, माँ बहुत बहुत कृपा करें।